बॉलीवुड के दिवंगत और दिग्गज एक्टर और सिंगर किशोर कुमार ने अपनी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी और कई सुपरहिट गाने भी गाए। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल थी उतनी ही असफल उनकी पर्सनल लाइफ थी। सिंगर की लव लाइफ काफी विवादित रही क्योंकि उन्होंने 4 शादियां की थी। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में विस्तार से। किशोर कुमार ने 4 शादियां की थी। उनकी चारों पत्नियां एक्ट्रेस थीं। एक्टर ने अलग अलग समय पर रूमा गुहा ठाकुरता, मधुबाला, योगिता बाली और लीना चंदा वर्कर से शादी की थी। यही कारण था कि उनका निजी जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा। आज भी उनके बारे में कई तरह की बातें की जाती हैं। किशोर कुमार की पहली शादी साल 1950 में रूमा गुहा ठाकुरता से हुई। रूमा मशहूर फिल्म मेकर सत्यजीत रे की भतीजी होने के साथ ही एक्ट्रेस और सिंगर भी थीं। किशोर और रूमा को साल 1952 में एक बेटा हुआ था जिसका नाम था अमित कुमार। अमित कुमार आज भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। किशोर कुमार की पहली शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। दोनों के बीच के रिश्ते काफी खराब होने लगे। इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि किशोर कुमार चाहते थे कि रूमा हाउसवाइफ बन करके रहें और उनके घर और बच्चों की देखभाल करें, लेकिन रूमा को अपने स्टारडम से प्यार था। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये स्टारडम हासिल किया था और वो इसे मेंटेन रखना चाहती थी। दोनों के जीवन के देखने के नजरिए काफी अलग थे और यही वजह रही कि दोनों अपनी शादी के 8 साल बाद अलग हो गए। रूमा को आखिरी बार हॉलीवुड की फिल्म नेमशेक में साल 2006 में देखा गया। 2019 में खबर आई कि रूमा गुहा ठाकुरता अब नहीं रहीं। रूमा के जाने के बाद किशोरदा की लाइफ में आई अपने जमाने की दिग्गज अभिनेत्री मधुबाला। उनकी खूबसूरती और अभिनय कौशल को लोग आज तक याद करते हैं। उनकी यही खूबसूरती किशोर कुमार को भी भा गई थी। दोनों ने साल 1960 में शादी करने का फैसला किया। मधुबाला से शादी के बाद किशोरदा के जीवन में जैसे हड़कंप मच गया, क्योंकि एक तो ये उनकी दूसरी शादी थी और दूसरा किशोरदा ने मधुबाला से शादी के लिए अपना धर्म बदला था और यही वजह रही कि किशोरदा की फैमिली ने उनकी इस शादी को स्वीकार नहीं किया। उस समय शादी को लेकर काफी बवाल हुआ था। शादी से पहले ही मधुबाला जन्म से दिल में छेद की बीमारी से ग्रस्त थी। शादी के बाद मधुबाला की तकलीफ बढ़ती चली गई। हकीकत में मधुबाला की इस तकलीफ के बारे में किशोरदा पहले से ही जानती थी। मधुबाला जब अपने इलाज के लिए लंदन जा रही थी तब किशोरदा ने उन्हें बड़े ही फिल्मी अंदाज में शादी के लिए प्रपोज किया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये खुशहाल शादी नहीं रही क्योंकि मधुबाला ज्यादातर दर्द से तड़पती रहती और बिस्तर पर रहती और किशोरदा अपने प्यार को दर्द से तड़पते हुए देखकर तड़प उठते। किशोरदा से शादी के बाद मधुबाला 9 साल तक जी और साल 1969 में मधुबाला का निधन हो गया। मधुबाला के जाने के बाद से किशोरदा एक बार फिर से अकेले रह गए। किशोर कुमार की दूसरी पत्नी के निधन के बाद से किशोरदा काफी सदमे में थी और इसी वक्त उनके जीवन में आई योगिता बाली, जो 70 से 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस थी। योगिता बाली एक्टर शम्मी कपूर की पहली वाइफ गीता बाली की भतीजी थी। 70 से 80 के दशक की खूबसूरत फिल्मी एक्ट्रेस योगिता बाली के साथ किशोर कुमार ने कई फिल्में की। दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर काफी पसंद की गई। काम के दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर शादी। साल 1976 में दोनों ने शादी की, लेकिन ये शादी महज 2 साल तक टिक पाई। महज 2 साल के बाद ही योगिता बाली और किशोरदा के बीच तलाक हो गया। योगिता बाली ने आगे चलकर 1979 में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से शादी रचा ली। अपने तीसरे तलाक के बाद किशोर कुमार इस बार एक्ट्रेस लीना चंदावरकर के प्यार में डूब गए। उन्होंने साल 1980 में लीना से चौथी शादी की। लीना ने किशोर कुमार को एक बेटा सुमित भी दिया। किशोर कुमार के बड़े बेटे अमित कुमार का कहना है कि लीना चंदावरकर से उनके अच्छे संबंध हैं और लीना उनके लिए गाने भी लिखती हैं। लीना और किशोर की लव स्टोरी काफी फिल्मी रही। दरअसल लीना की पहली शादी साल 1975 में राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ से हुई।
लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान लीना के पति सिद्धार्थ को गोली लग गई और गोली लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लीना महज 25 साल की उम्र में विधवा हो गई और इस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। लीना की डिप्रेशन की हालत को देखकर लीना के पिता उन्हें अपने घर ले आए और कुछ समय के बाद लीना ने एक बार फिर से अपना फिल्मी करियर शुरू किया और यही उनकी मुलाकात किशोर कुमार से हुई। उस दौरान दोनों ही तन्हा थे। जल्द ही दोनों की दोस्ती हुई, ये दोस्ती प्यार में बदल गई और इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लीना ही किशोर कुमार के अंतिम दिनों तक साथ रहीं। किशोर कुमार के ऊपर केंद्रित हमारी आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।